हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद का कर्ज चुकता करना हमारा दायित्व रहा। जवाई का पूर्ण भरण करना क्षेत्र के लिए सार्थक रहेगा। वे सुमेरपुर के जालोर चौराहा पर एक निजी फार्म हाउस पर विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित महिला सम्मेलन में बोल रहे थे। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित ने कहा कि भाजपा का कार्यकाल में विकास की गंगा बहाई। सम्मेलन में UIT चेयरमैन संजय ओझा, पाली प्रधान श्रवण बंजारा, सुमेरपुर प्रधान राजेंद्र सिंह, सुमेरपुर पाली अध्यक्ष जोरा राम, तखतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष रंजना कुमारी, महामंत्री प्रकाश सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुमित्रा राजपुरोहित, महामंत्री रिंकू पुरोहित, सांडेराव सरपंच भावना कठिक, पूर्व सरपंच मथुरा भाटी, मीडिया प्रभारी सुभाष त्रिवेदी, तखतगढ़ मंडल अध्यक्ष गणपत सोमपुरा, सांडेराव महिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मी सिरवी, उपाध्यक्ष अंकिता सोनी सहित क्षेत्र भर की महिलाएं मौजूद थे। खाद्य सुरक्षा की शिकायतें कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सैकड़ों महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा के नाम नहीं जुड़वाने एवं पानी बिजली की शिकायतें की। आप मेरा विरोध करो, जम के करो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ऐसे अच्छे काम के लिए विरोध मत करो। जो जनता की प्यास बुझाएगा, इस इलाके की जनता याद रखेगी, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि जब कभी भी जवाई बांध कभी भी खाली नहीं होगा। जब एक बांध खाली होगा तो हम दूसरे बांध की फाटक खोलेंगे, वो बांध का पानी ले लेंगे तो तीसरे बांध की फाटक खोलेंगे, उसका पानी खत्म हो जाएगा चौथे बांध की फाटक खोलेंगे। एक नदी मेरे पाली जिले में 12 महीना चलेगी, ये कोई कम बात नहीं है। मैंने सही बांध का पानी मैं लाया हूँ तो 6 महीना एक नदी चल रही है पाली जिले में। सही बांध से बेड़ा नदी के माध्यम से पाली में, ये यूपी वाले जानते हैं कि वहाँ नदियाँ चलती है 12 महीना, लेकिन मेरे पाली जिले में एक नदी 6 महीना तो चल रही है ना। क्यों, आप मीडिया भी इस बात को मानता होगा, 6 महीने, और अब ये जवाई पुनर्भरण होगा तो 12 महीना एक नदी चलेगी, ये वरदान साबित होगा इस इलाके के लिए। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, ये इस पश्चिमी राजस्थान में कोई कल्पना कर सकता है कि 12 महीना नदी चले, क्योंकि बांधों का पानी आएगा, फाटक खोलते जाएंगे पानी जवाई बांध में आता रहेगा, जवाई बांध कभी खाली होने वाला नहीं है, क्योंकि बांधों का पानी इसमें लेते रहेंगे हम, जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, नहीं तो हम नदी में भी छोड़ेंगे, तो इस इलाके के किसान भी लाभान्वित होंगे। हमने इतने काम करके दिए, जनता याद रखती है इसको। कार्य कब तक पूरा होगा? देखिए, हम ये 2 फेज में होगा, पहले 3,000 करोड़ खर्च होगा और 2 बांध बनेंगे, वाकल एक नदी और वाकल 2 नदी। ये वाकल नदियाँ हैं, वाकल के बारे में लोग जानते होंगे, वाकल का मतलब है कि वो नदी हर समय चलती रहती है, कभी एक जगह लुप्त होती है तो दूसरी जगह निकल जाती है, इसको वाकल बोलते हैं, वाकलीजना ये होती है, पुराने लोग जानते हैं। एक मिनट, पुराने सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।